आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं बट यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आता है ये वाईफाई कनेक्टिंग बट कनेक्ट नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम अपने फ़ोन में ठीक कैसे करें, आइए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो वाईफाई नेटवर्क आप कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इसके सामने आपको ये एरो मिलेगा या फिर ये वाला मार्क आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे इस वाले मार्क पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फॉरगेट आएगा या फिर फॉरगेट नेटवर्क आएगा, तो यहाँ पे फॉरगेट नेटवर्क पे क्लिक करिए। उसके बाद रिमूव आएगा, रिमूव बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे नेटवर्क रिमूव करने के बाद बैक आइए। अब अपने फ़ोन की सेटिंग में नीचे आ जाइए, नीचे आने पर यहाँ पर अबाउट डिवाइस आएगा, अबाउट डिवाइस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपका फ़ोन का वर्ज़न आएगा या फिर UI आएगा, जैसे कि हमारा Realme का फ़ोन है तो Realme UI आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट्स आएगा, यहाँ पे चेक करिए अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया है तो अपने फ़ोन को अपडेट करिए। अगर यहाँ पे अप टू डेट आएगा यानी कि आपका फ़ोन ऑलरेडी अपडेट है तो यहाँ पर बैक आइए। अब अपने फ़ोन की सेटिंग में ये नीचे एडिशनल सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए और नीचे आ जाइए। नीचे आने पर ये बैकअप एंड रीसेट आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब नीचे ये रीसेट फ़ोन आएगा तो रीसेट फ़ोन पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करिए। अब अपने फ़ोन का पासवर्ड एंटर करिए, उसके बाद नीचे रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स आएगा, तो ये करने से यहाँ पर कोई आपका फ़ोन का डेटा या फिर कुछ आपके फ़ोन से डिलीट रीसेट नहीं होता है, तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करिए। हमने ये पहले से कर लिया है तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, बैक करेंगे, बट आप रीसेट पे क्लिक करिए और अपने फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करिए और यहाँ पे आप अपने फ़ोन में वाईफाई ओपन करिए। अब जो नेटवर्क आप कनेक्ट करेंगे उस पे क्लिक करिए और उस वाईफाई का पासवर्ड डाल के कनेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे देख सकते हैं अब वाईफाई कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।